मैं इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और क्वेश्चन बड़ा दमदार है, आपको मैं इसको समझा देता हूं शुद्ध भाषा में अपनी। देखो क्या होता है, अगर आपने एक ऐसा सर्किट ले लिया जिसके अंदर एक इंडक्टर इस्तेमाल हुआ और उस इंडक्टर के पैरेलल में आपने एक बल्ब लगा दिया, तो जैसे ही आप उस इंडक्टर को ऑन करते हो या फिर आप जैसे ही करंट पास करवाते हो एसी, तो क्या होता है इंडक्टर जो है उसके अंदर करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू कर देती है। और जब करंट की वैल्यू बढ़ती है ना, तो करंट की वैल्यू बढ़ने की वजह से उसके अंदर अपना खुद का सेल्फ इंडक्टेंस होता है, तो वो जो कॉइल होती है वो अपने आप सेल्फ इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है इंडक्टर के अंदर। वो बैक ईएमएफ क्या करता है, जो मेन ईएमएफ है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करता। तो क्या होता है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया बल्ब पहले तेज जलता फिर थोड़ा डिम हो जाता है। डिम क्यों हुआ, क्योंकि अब बैक ईएमएफ आ चुका है जिसकी वजह से जो आपका बल्ब था उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई। बैक ईएमएफ क्यों आया, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर के अंदर जब फ्लक्स चेंज होना शुरू होगी तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा और वो इंड्यूस ईएमएफ चेंज का अपोज करेगा। वो चेंज क्या था, चेंज किया था करंट की वैल्यू का बढ़ना शुरुआत में इंडक्टर के लिए, करंट की वैल्यू का बढ़ना, तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ था ना वो कहीं ना कहीं उसको कम कर रहा था बैक ईएमएफ। तो इस वजह से बल्ब शुरुआत में तेज जला लेकिन फिर थोड़ा डिम हो गया। अब वो वैसे ही जलता रहेगा, डिम होकर ही जलता रहेगा, बिल्कुल सही कॉन्स्टेंट उसका ब्राइटनेस रहेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे आप स्विच को अब बंद करोगे, तो जैसे आपने स्विच बंद किया तो इंडक्टर की जो मेन करंट है वो घटना शुरू कर देगी। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ आया था वो अब इसके घटने का अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा कि ये घटे। एक तरह के आपको पता है ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो नहीं चाहेगा कि ये घटे। क्या ना घटे, जो करंट है वो ना घटे, मतलब मेन ईएमएफ ना घटे। तो जब मेन ईएमएफ ना घटेगा तो कहीं ना कहीं इंड्यूस ईएमएफ इसका अपोज करेगा। अपोज का मतलब ये है कि वो जो है करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होगा। इंडक्टर एक अपोजिट डायरेक्शन में निकालने की कोशिश करेगा, तो भाई ये कहीं ना कहीं ब्राइटनेस को एकदम से बढ़ाएगा, फिर बल्ब बुझ जाएगा। समझे मेरी बात को, एक बार फिर से दूसरा वाला केस समझा रहा हूँ। जैसे आप करंट स्विच को बंद करते हो तो करंट घटती है बहुत तेज़ी से। जब मेन करंट घटेगी इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में घटना शुरू कर देती है, तो जो इंडक्टर के अंदर बैक ईएमएफ था या इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस जो था वो अपोजिट डायरेक्शन मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो थोड़ा तेज जल के फिर वो बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, क्योंकि आपने स्विच को ऑफ कर दिया। तो ये करता है आपका इंडक्टर। इंडक्टर एक तरह का इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, बहुत अच्छे से आप लोग समझें। थैंक यू।